वेलकम टू विपुलास किचन। फ्रेंड्स, आज हम पिज्जा सॉस बनाना सीखेंगे। आज की रेसिपी बहुत इजी है। अगर आपकी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना और उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी आगे की जो वीडियो है वो आपको मिल जाए। पिज्जा सॉस बनाने का हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, अब हमने गैस चालू कर दिया है। उसमें हम एक टीस्पून बटर लेंगे और एक टीस्पून ऑयल लेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल या कोई भी पर्सिंग तेल ले लेना है, उसकी फ्लेवर होती है। तो हम एक टीस्पून ऑयल लेंगे। अभी हम वन ऑनियन लिया है जो चॉप करके हमने रेडी रखा है, वो डालते हैं। पिज्जा सॉस बनाते हैं तो हमको ऑनियन को ज़्यादा ब्राउन करना नहीं होता है, उसको लाइट ब्राउन करना होता है। अभी हम हाफ टी स्पून गार्लिक की पेस्ट ऐड कर रहे हैं। आप गार्लिक को छोटा छोटा बारीक टुकड़े करके भी आप ले सकते हैं, 5 से 7 कलियाँ। अभी मैंने हाफ टी स्पून गार्लिक की पेस्ट ऐड की है, अभी उसको सॉटे कर लेंगे। मैंने 4 टमाटर की प्योरी बनाई हुई है, ओरेगानो, पेपरिका, मिक्स हर्ब और सॉल्ट और शुगर। बस इतने बेसिक मसाले से ही ये सॉस बन जाता है। अभी हमारी अनियन ब्राउन हो गई है तो हमने जो प्योरी बनाई है 4 टमाटर की, वो ऐड करेंगे और फिर उसको सॉटे कर लेंगे। और सबको फिर मिक्स कर देंगे। पिज्जा सॉस फ्रेंड्स हमको थोड़ा ठीक ही बनाना है, अगर वो ज़्यादा जूसी और होगा तो बन को सॉगी कर लेगा। तो थोड़ा उसको अच्छे से पकाना है कि उसमें मॉइस्चर नहीं रहे, तो हमारा बन एकदम क्रिस्पी रहेगा और हमारा जो पिज़्ज़ा हम बनाएंगे वो लास्ट में प्रोडक्ट हमको एकदम क्रिस्पी मिलेगी। तो उसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। ड्राई है तो ये बहुत अच्छा बन।